सोचता रहा कि सीमा पर जो भी करेगा उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हिमांशु, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हमारे साथ अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित मालवीय जी, इसका सीधा मतलब हम ये समझें कि प्रहार की शुरुआत कम से कम इस हिसाब से हो गई है, देखने में भले ही ये एप्स, लेकिन इनमें से कई ऐसे एप्स हैं जो कि शायद भारतीय बाजार पर ही फल फूल रहे थे। श्वेता जी, देखिए, प्रहार की शुरुआत तो गलवान घाटी से ही हो गई थी, जब हमारे सैनिकों ने चाइनीज आर्मी पर जो प्रहार किया जिसमें उनके 40 से ऊपर जवान और अफसर मारे गए। लेकिन ये एक मैसेज है चाइना के लिए भी और उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा या नहीं कर सकता है। ये मोदी सरकार है जिसको जो भाषा समझ में आती है उसमें जवाब देना आता है। ये ऐप तो अभी बैन किए गए हैं, इससे पहले कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो चाइनीज फर्म्स को दिए गए थे, सब कॉन्ट्रैक्ट जो चाइनीज फर्म्स को दिए गए थे उनको रिव्यू किया गया, उनको कैंसिल किया गया। उनमें से कई कॉन्ट्रैक्ट बिहार में थे जहां पे 2,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अगर उसके लिए बाजार है तो हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं वो हिंदुस्तान के लिए उतनी ही सैक्रोसेंट है जितना कि वो अपने लिए उसको समझते हैं। और सीमा के विवादों को आप सैन्य शक्ति से अगर सुलझाना चाहेंगे तो उसका जवाब हमें देना आता है। और जो मार्केट है, जो हिंदुस्तान एक बाजार है, उसकी भी जो ताकत है वो उनको समझनी होगी। ये वो हिंदुस्तान है जो बराबरी की हैसियत रखता है। और लेकिन अमित मालवीय जी, एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं, जैसे चीन नहीं चाहता था इस तरह के विदेशी एप्स का अतिक्रमण तो उसने अपने यहाँ वीबो लोगों को दे दिया। आपको लगता है कि हम उस हिसाब से तैयार हैं कि हम चीनी ऐप्स जैसे टिकटॉक, जिसको बहुत सारे लोग जिनको आदत हो चुकी थी उसकी और बहुत बढ़ चढ़ कर लोग उसे सब्सक्राइब कर रहे थे, हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने वैसे ऐप्स लाएं ताकि लोगों को ध्यान ही न रहे कि चाइना की कौन सी ऐप थी जो हम इतने दिन इस्तेमाल कर रहे थे? क्यों नहीं है हम उस स्थिति में? आज अमेरिकन कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले इंजीनियर हिंदुस्तानी तो है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे फेसबुक हो, वहां के जितने भी टॉप इंजीनियर्स हैं सब हिंदुस्तानी हैं। जूम जो चाइनीज कंपनी है, टिकटॉक जो है वहां पे भी बहुत सीनियर लेवल पे हिंदुस्तानी काम करते हैं। वो अलग बात है कि वो हिंदुस्तान के बाहर रह के काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोगों में इतनी कुवत नहीं है कि इस प्रकार की ऐप बना सके। चिंगारी नाम का एक ऐप है जो टिकटॉक की तरह चलता है, उसको 25 लाख लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ऐसी तमाम चीजें हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा श्वेता कि हम इनोवेशन के खिलाफ नहीं है, हम विदेशी व्यापार के खिलाफ नहीं है, हम उन कंपनियों के खिलाफ नहीं है जो किसी और देश की कंपनियां हैं और हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहती हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाजार में वही कंपनियां काम करेंगी, उही देश की कंपनियां काम करेंगी जो बॉर्डर पर हमारी जमीन हथियाने का प्रयास नहीं कर रही हो, जो बॉर्डर पर हमारे जवानों के खिलाफ कार्रवाई ना कर रही हो। उस पर कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो। और पाकिस्तान और चाइना को ये मैसेज जिस भाषा में उनको समझ में आता है मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में दे दिया है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे गलवान घाटी का वाकया हो, और अब जिस प्रकार से चाइनीज कंपनीज उनके कॉन्ट्रैक्ट उनके बिजनेसेस को रद्द किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत मजबूत मैसेज है चाइना के लिए। हमने लोगों का जब आक्रोश देखा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से इन सारे ऐप्स जो चाइनीज ऐप्स थी उनकी रेटिंग कम हो गई थी। आपको लगता है कि इस तरह से प्रतिबंध लगाने से चीन पर वाकई असर पड़ेगा, इतना असर कि वो सीमा पर जिस तरह की धोखेबाजी करता है वो बंद करे? देखिए, कितना असर पड़ेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हिंदुस्तान की जनता ने इस मुहिम को पहले शुरू किया। जैसा आपने बताया कि चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल करना, उनकी रेटिंग डाउन करना, ये लोगों का गुस्सा था जो सामने आया। तो अगर हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी एक साथ खड़ी हो जाए तो चाइना क्या कोई भी देश अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा? बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड हमसे बातचीत कर रहे थे और उम्मीद उन्हें यही कि चाइना पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कितना असर पड़ेगा? सीधे चलते हैं अपने संवाददाता राहुल श्रीवास्तव के पास जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बैन करना और उसे अमल में लाना,
समय लगेगा, या हम समझ लें कि अभी बैन कर दिया है और इमीडिएटली इन इफेक्ट है, तो जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या आप नहीं इस्तेमाल कर सकते इस समय से? जी श्वेता, सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि जो ऐप ब्लॉक हो जाते हैं वो सर्वर्स से ब्लॉक कर दिए जाते हैं, यानी जो उनके यूजर्स हैं वो अब उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं जितने भी, उनमें इनका इस्तेमाल अब आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन ये इशारा जो है, जो आपित बलवीय से बात कर रहे थे आप श्वेता, ये है कि भारत सरकार ये जता रही है कि बॉर्डर पे लड़ाई और देश में कमाई दोनों एक साथ नहीं चलेगी। सरकार का इशारा ये साफ है कि कोई बहुत ज्यादा, जो पाकिस्तान के साथ जब बॉर्डर पे तनाव होता है तो हिंदुस्तान की सरकार काफी मसल फ्लेक्सिंग करती है, क्योंकि व्यापार की जो पेचीदगियां पाकिस्तान भारत और चीन और भारत की अलग है। सरकार की तरफ से जो इशारा ये जा रहा है लगातार कि भारत में रह के चीनी कंपनियां कमाई करें, सरकार कमाई करे और भारत बॉर्डर को, सॉवरेनिटी को थ्रेटन करें या ठेस पहुंचाएं, ये चीजें साथ में नहीं चलेंगी। सरकार कुछ समय पहले इस पे विचार कर रही थी, लेकिन उस समय शायद सरकार के सूत्र कह रहे हैं माहौल ठीक नहीं था, क्योंकि पब्लिक में अनरेस्ट था, क्योंकि टिकटॉक ऐप वगैरह काफी पॉपुलर है जन सामान्य में, गांव-गांव इनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कोविड 19 के चलते जो चाइना की प्रतिष्ठा पे ठेस लगी और उसके बाद चीन का जो अतिक्रमण हुआ बॉर्डर पे, जिस तरह से चीन आगे आया, 20 हमारे सोल्जर्स जो है वीरगति प्राप्त हुए, उसके बाद जो माहौल है देश में चीनी वस्तुओं और चीनी लोगों के खिलाफ, उसको देखते हुए सरकार को लगा है ये मौका अच्छा है, इस समय पे स्ट्राइक किया जाए। आत्मनिर्भर भारत की जो एक गाड़ी सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सरकार को लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर है भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन कोई इस बाजार का दोहन नहीं कर सकता है। भारत की तरफ से संकेत यही दिया जा रहा है। लेकिन अब एक दूसरी अच्छी खबर की तरफ